हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मजहर अहमद, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्जो N55 के बारे में। ये एक रियलमी का सब ब्रांड है। तो कर लेते हैं हम इस फोन की अनबॉक्सिंग। इस फोन के बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन, एक 33 वोल्ट का पावर एडेप्टर, एक टाइप सी टू USB चार्जिंग केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक सिम इजेक्टर टूल। बात कर लेते हैं इस फोन के बिल्ट इन डिजाइन से। इस फोन के अंदर हमें प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाता है, जो कि एक शाइनी बैग नार्जो की तरफ से आता है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक एंड स्टाइलिश लगता है। इस फोन के अंदर हमें साइड फ्रेम्स भी प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेटल फिनिश के साथ आते हैं। इस फोन के अंदर हमें बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और एक डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस फोन के बिल्ट इन डिजाइन से। इस फोन के अंदर हमें प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाता है, जो कि एक शाइनी बैग नार्जो की तरफ से आता है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक एंड स्टाइलिश लगता है। इस फोन के अंदर हमें साइड फ्रेम्स भी प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेटल फिनिश के साथ आते हैं। इस फोन के अंदर हमें बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और एक डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। और इस फोन में हमें राइट साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर वो अप एंड डाउन कीज देखने को मिल जाती है, और टॉप में हमें पूरी क्लीन देखने को मिल जाती है, और लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट के साथ आती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और बॉटम में हमें 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, एक माइक्रोफोन, एक टाइप सी चार्जिंग पिन और एक लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में हमें एक ईयर स्पीकर और मिडल में हमें एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। इस फोन का ओवरऑल वेट हमें 189 ग्राम्स का देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर हमें LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, और यह फोन 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, तो आपको आउटडोर विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। और इस फोन की डिस्प्ले साइज हमें 6.72 इंचेस की देखने को मिल जाती है, और इस फोन के अंदर हमें 392 पिक्सल पर इंच देखने को मिल जाती है, 392 की PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन के बारे में। इस फोन के अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है, और इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 के ऊपर रियलमी UI की लेयर भी चढ़ी हुई देखने को मिल जाती है। रियलमी UI 4.0 ये डिवाइस सपोर्ट करता है। कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। इस फोन के अंदर हमें MediaTek का हीलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये एक न्यूली चिपसेट है और ये 12 nm पर बेस्ड है। ये प्रोसेसर ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है 2.0 GHz की स्पीड के साथ, और इस फोन के अंदर हमें माली G52 MC2 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि गेमर्स के लिए यूज होता है। आप गेमिंग या मतलब वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं इस फोन के स्टोरेज टाइप के बारे में। यह फोन eMMC 5.1 सपोर्ट करता है। इस फोन के अंदर हमें UFS स्टोरेज तो दे देना चाहिए था, जो कि एक कॉस्ट कटिंग वाली बात है। कर लेते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। इस फोन के अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्राइमरी जो लेंस है हमें 64 मेगापिक्सल का 1. एपर्चर के साथ में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ में डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। यह फोन डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ में आता है, और यह फोन HDR पिक्स और वीडियोस बनाने में कैपेबल है। और फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर के साथ में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, और इस फोन के अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर हमें NFC FM रेडियो देखने को नहीं मिलता है, और इस फोन के अंदर USB 2.0 सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे रीड एंड राइट स्पीड काफी फास्ट हो जाती है।
बात कर लेते हैं इस फोन के सेंसर्स के बारे में। इस फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास और जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। इस फोन के अंदर हमें 5000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको एक से डेढ़ दिन इजीली प्रोवाइड करवा देगी। बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। यह फोन आपको 11000 का देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आपको ये और भी कम प्राइस में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर हमें दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक प्राइम ब्लू और सेकंड है प्राइम ब्लैक। और हमें इस फोन के अंदर 464GB वेरिएंट 11000 में देखने को मिल जाता है और 6128GB वेरिएंट 13000 में देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि हम C53 देखते हैं Realme का, तो अगर आप लुक्स एंड डिजाइन के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आप C53 बाय कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्प्ले, कैमरा और फास्ट चार्जर, ये तीन चीज ज्यादा चाहिए, तो आप Realme Narzo N55 बाय कर सकते हैं। मैं Realme Narzo N55 और C53 और Oppo A17, Poco M6 Pro का भी एक शॉर्ट कंपैरिजन लेकर आऊंगा, जिसमें आपको किस हिसाब से फोन लेना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल ये तीन से चार फोन सेमी प्राइसिंग के साथ आते हैं और थोड़े बहुत ऊपर नीचे स्पेक्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सा फोन किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।